सभी बच्चे, जितने भी बच्चे हैं, वो थोड़ा सा सावधान रहें, क्योंकि कम से कम 1 महीने हो गए हैं। यानी ऐसा नहीं कहूँगा कल रात से ही मेरे पे 5 हज़ार हैं, नहीं, लगभग 1 महीना हुआ है जब से बच्चों ने पेपर दिया है या फॉर्म डाला है। उन लोगों के दिमाग में एक क्वेश्चन सबसे ज़्यादा आया है कि सर, क्या जो बीएड है इसको प्राइमरी समाप्त कर दिया जाएगा अगले साल से? कुछ बच्चे कह रहे हैं सर, योगी बाबा की गवर्नमेंट जाएगी तो उसके बाद ये बीएड वाला जो है प्राइमरी से निकाल दिया जाएगा। ये सारी बातों पर बहुत सारे मैसेज बच्चों ने मुझे किया, तो मैंने सोचा चलो अपने बच्चों के जो डाउट्स हैं वो क्लियर करता हूँ। तो मैं वो डाउट सारे क्लियर करूंगा, लेकिन उसके पहले आप अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि यहाँ पर आपको बिल्कुल सही और सटीक न्यूज़ बीएड से रिलेटेड मिलती है। बीएड के अलावा और भी अगर कोई गवर्नमेंट जॉब की वैकेंसी आती है या उसमें कैसे तैयारी करनी है, उस सारे पर आपको इस पर वीडियो मिलती है। चलिए हम बात करते हैं। दरअसल बात यह है कि बहुत सारे बच्चों ने मुझे मैसेज किया कि सर, इसको कंफर्म कीजिए, क्या ऐसा पॉसिबल है कि आगे ये हट सकता है प्राइमरी से या कुछ भी, क्योंकि हम लोग 2 साल का समय देंगे बीएड को और लाखों रुपए हम खर्च करेंगे इस पर, तो हमें इस पर कंफर्म हो जाए कि प्राइमरी में शामिल कर, क्योंकि भाई प्राइमरी में ही वैकेंसी आती है, जूनियर में ज़्यादा वैकेंसी आती नहीं है। तो अब सबको पता है कि अब जितने भी बच्चे बीएड करते हैं उसमें 95% बच्चे ऐसे होते हैं जिनका सपना प्राइमरी होता है, जूनियर में सिर्फ 5% बच्चे ही जाना चाहते हैं या उनका एम होता है। तो मैं इस पर बात करूंगा। देखो, जो आपका बीएड है या कोई भी शिक्षक पात्रता परीक्षा होती है, इसकी जो पूरा डिटेल होता है या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो रखी जाती है, वो रखा जाता है एनसीटीई के द्वारा। ठीक है, जो आपको एनसीटीई पता होगा, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, वो रखता है कि किसको प्राइमरी में शामिल करना है, किसको जूनियर में। और आपको पता है 2 साल पहले बीएड को ही प्राइमरी में शामिल किया था एनसीटीई ने। ठीक है, एनसीटी ने शामिल किया था। तो जब एनसीटी ने शामिल किया है, तो पहली बात तो जिसने शामिल किया वो उसको हटाएगा नहीं, पहली बात हो गई। दूसरी बात ये हो गई कि आपको पता है जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है उसके तहत ये कहा गया है कि जो डीएलएड है डीएलएड को समाप्त करके बीएड को ही रखा जाएगा, और 3 टाइप के बीएड रखे जाएंगे। मैंने इस पर ऑलरेडी वीडियो बना रखी है। ठीक है, तो जब डीएलएड समाप्त ही हो जाएगा और बीएड को भी हटा देंगे तो कौन प्राइमरी में जाएगा? तो ऐसी फर्जी बातों पर क्यों ध्यान दे रहे हो आप लोग? ठीक है, इस पर ध्यान ना दो। अब आप लोग पेपर दे लिए हो, जो भी कॉलेज आपको मिल रही, प्राइवेट मिल रही, गवर्नमेंट मिल रही, आप अपनी बीएड करिए। ठीक है, और अपनी जो एम है, आपको प्राइमरी में टीचर बनना है, आपको जूनियर में टीचर बनना है, आप उस हिसाब से अपनी तैयारी करिए। अगर आपको किसी तैयारी में या आपको किसी भी बीएड से रिलेटेड कोई डाउट है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप नंबर है, आप मुझे मैसेज पर्सनली कर सकते हो। अगर आप चाहो तो कमेंट बॉक्स पर भी कमेंट कर सकते हो आप। ठीक है, कोई भी परेशानी आपको, तो प्लीज़ इस पर सब पर ध्यान ना दो। इतना मैसेज करके आप लोग डिस्टर्ब कर रहे हो, यानी दूसरे बच्चों को भी आप डाउट में डालो। क्यों डाउट में डालो, जब सरकार ने सारी चीज़ें क्लियर कर दी हैं, जब एनसीटी ने क्लियर कर दिया है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी ने क्लियर कर दिया है, तो जब सब चीज़ें क्लियर हैं तो परेशान ना हो आप लोग। ठीक है भाई, आप लोग अपनी तैयारी करो मस्त होकर, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करिएगा, और अगर आपके मन में ऐसी डाउट रही होंगी तो आप जरूर कमेंट करिए। तो मिलते हैं हम लोग अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।